अच्छा, गुलशन सर को हमेशा लोगों ने खलनायक वाले रोल करते देखा है। सर, अगर आपको किसी लड़की ने सत्यनारायण की कथा सुनाई है, मान लीजिए श्रुति ने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपको ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड्स कहते हुए सुने, जो भी आपको बोलना है। कपिल, मैं आपका फैन हूँ, आपके लिए कुछ भी करूंगा। आओ बेटी। देखो बेटी, आज तुम्हारे मुंह से सत्यनारायण की ये कथा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू की जरूरत थी। देखो बेटी, हम तुम्हें बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह से रखेंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। तुमने हमें कोई तकलीफ दी तो तुम्हारी माँ को उठा लेंगे गन्ना चूस के। थैंक यू गुलशन सर, थैंक यू श्रुति सर। मेरे को बात बताइए, जैसे ये हीरो लड़के हैं, इतने हैंडसम हैं, आप भी इतने हैंडसम हैं, लड़कियां बहुत ऐसे फैन जो आती आके मिलती हैं, विलन के साथ भी ऐसा होता है? मैं पंजाब में शूटिंग कर रहा था पिक्चर सोनी महिवाल की, सनी देओल, पूनम ढिल्लों, जीनत अमान, बहुत सारे लोग, खूबसूरत लड़कियां आई, सनी देओल से ऑटोग्राफ ले रही हैं, बात कर रही हैं, ये कर रही हैं, मेरी तरफ कोई आ नहीं रहा। मैंने पगड़ी बांधी हुई थी, दाढ़ी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद पहचान नहीं रही मुझे। अच्छा, तो डायरेक्टर उमेश मेहरा जी की वाइफ रितु भाभी और पूनम ढिल्लों को मैंने बोला, मैं यहाँ से निकल के जाऊंगा, जोर से कहना गुलशन ग्रोवर इधर ना, गुलशन ग्रोवर सुनना, तो उनको पता चलेगा ये गुलशन ग्रोवर है यार। तो मैंने वैसे एक्टिंग की, जाने की पीछे से पूनम ढिल्लों और रितु भाभी ने कहा, गुलशन ग्रोवर सुनो, गुलशन ग्रोवर इधर आओ। गुलशन, लड़कियों को कन्फर्म हो गया ये वाकई गुलशन ग्रोवर है। 5 मिनट में सारी लड़कियां सेट छोड़कर चली गई। श्रुति, ऐसे एक बात बताओ, जैसे अभी मुझे वैसे ही याद आया, अभी ना गौतम जो है हमारे टीवी से पहले आर्टिस्ट हैं जो कांस फिल्म फेस्टिवल में गए थे, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ जाती हैं लंबे लंबे गाउन पहन के, हाँ। 4 लोग तो गाउन के साथ ही अंदर घुस जाते हैं अवार्ड शो में, वो लंबे लंबे गाउन क्यों पहनती हैं लड़कियाँ? Because it's fashionable. आप तो गाउन भी नहीं पहनते गौतम, आप क्यों गए थे उधर? गाउन से एक्चुअली मुझे याद आया कि मेरा पहली बार था और मेरा वहाँ मेरी फिल्म सिलेक्ट हो गई और मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। एग्जैक्टली मैं वहाँ पहुँच गया तो I couldn't even recognize so many Hollywood stars. तो किसी के गाउन पे मेरा पैर चला गया था, तो I just said, hey ma'am, so sorry about that. So she like, hey, it's all right. And she was looking at me like this. I'm like, ये देख क्यों रही है इतना मुझे? Then I'm like, okay. बाद में जब मैं स्क्रीनिंग पर बैठा तो by chance वो फिल्म यशराज फिल्म्स की थी, उन्होंने एक हॉलीवुड फिल्म में प्रोड्यूस किया था, वो उसी पिक्चर की हीरोइन थी और उनका नाम था निकोल किडमैन। अरे वाह। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। पहले पहले जैसे आपने कहा कि विलन्स को देख के लोगों को लगता था कि ये सच्ची में वैसा तो नहीं है, पर आजकल मुझे लगता है लड़कियों को बैड बॉयज भी अच्छे लगते हैं। पता नहीं मुझे एक्चुअली पूरा, कोई अगर अपने विचार पेश करना चाहता है कि क्या लड़कियों को बैड बॉयज अच्छे लगते हैं या चुपचाप भोले भाले राजकुमार गौतम जैसे बैड बॉयज? जी नमस्कार, मेरा नाम संगीता गेरा है। आपने पूछा कि शरीफ अच्छा होता है या बदमाश, जी तो मैं कहूंगी कि आदमी तो शरीफ ही बढ़िया होता है। अच्छा जी। हाँ, शरीफ आदमी जो जैसे मेरे हस्बैंड है ये बहुत शरीफ है और पिछले 30 सालों से हम साथ हैं और बहुत शरीफ है। मैं आपको आपके शरीफ साथ रह रहे हैं तो शरीफ तो अपने आप ही हो गए। भाई साहब कहाँ से मिले थे आप? नहीं भाई साहब, मैं और भाई साहब दोनों, सॉरी नहीं आपको, थोड़ी भाई साहब मेरे पति मैं और भाई साहब मेरे पति आपके भाई साहब जी जी, ये मैं और ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे। अच्छा जी। हाँ, साथ बैठते थे टेबल पर, वहीं से हमारी मोहब्बत शुरू हुई। 6 महीने तक इन्होंने मुझसे सिर्फ नमस्ते किया था और उस नमस्ते पे ही मैं फिदा हो गई थी। अच्छा। हाँ, और उसके बाद ये बात नहीं करते थे। नमस्ते अब भी करते हैं लेकिन अब नमस्ते वो करते हैं कि धन्य हो आप, धन्य हो। पर वो बात कैसे करें, आप तो रुकती नहीं है तो बात कोई और कैसे करेगा? रुकती हूँ, रुकती हूँ। कौन से स्टेशन पे? तो उसके बाद
बाद हमारी साल भर में शादी हो गई, साइकिल पे हमारी लव स्टोरी शुरू हुई। तो और चुप हो गए होंगे? नहीं नहीं चुप नहीं है, ये बोलते कम से है, लेकिन मैंने इनको काफी बोलना सिखाया है। बहुत मजेदार है आप, बहुत खुश दिल है, ऐसे ही खुश रहा करें, अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। अच्छा आप सब फिल्मों में इतने अच्छे अच्छे डायलॉग बोलते हैं, मैं आपको कुछ पुराने फेमस डायलॉग्स बोलूंगा, आधे बोलूंगा, बाकी के आधे जो है आपको रियल डायलॉग्स नहीं बोलने हैं, अपने हिसाब से इम्प्रॉम्प्टू। पहला डायलॉग है, कुत्ते कमीने मैं तेरा बिस्किट खा जाऊंगा। वेरी नाइस। आज मेरे पास गाड़ी है लेकिन पेट्रोल नहीं है यार, 100 रुपए उधार देना। वाह, शाम आए तो कहना कि अरे पानी भर के क्यों नहीं रखा, 2 घंटे बाद पानी जाने वाला है। इधर भी आया कुछ। शाम आए तो कहना, गुलशन जी को बोले दीजिए। फिल्में सिर्फ 3 चीजों से चलती हैं, कटप्पा, बाहुबली, राजा मौली। वाह। जिनके घर शीशे के होते हैं वो अपने शीशे गीले कपड़े से साफ करते हैं। रंजीत, मैं तुम्हारे बच्चे की टीचर हूं, ये नालायक को घर में पढ़ाया करिए वरना फेल हो जाएगा। बाकी के भी आप ही पूछ लीजिए सर। ओके, लास्ट डायलॉग, अम्मी जान कहाँ करती थी? अब्बू पे निगाह रखना, ये गुलशन ग्रोवर की पिक्चरें बहुत देखते हैं, यहाँ वहां भी जाते हैं। वेरी नाइस सर।